सो गाइस हम लोग आ गए सेक्टर 18 की मार्केट और यहाँ का सबसे बेस्ट कैफे मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस आ गया हमारा फूड। टॉमी टॉमी द रीडर्स कैफे, ये रहा फर्स्ट फ्लोर पे द रीडर्स कैफे लेफ्ट वाली बिल्डिंग में। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो एक्सप्लोर विद अंशु। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सेक्टर 18 नोएडा का और यहाँ का सबसे बेस्ट कैफे मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम जा रहे हैं अभी बहुत ही अच्छा खाना ढूंढने और बेस्ट कैफे जो यहाँ का है नोएडा का। और अभी शाम हो गई है तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज हम लोग आ गए सेक्टर 18 की मार्केट और अभी आपने जो देखा यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स बैठ जाते हैं, पानी पूरी वाला, मेहंदी वाला, सब मिलेगा यहाँ पे आपको। और अभी हम जा रहे हैं द रीडर्स कैफ़े नोएडा सेक्टर 18, जो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े है नोएडा का। और यहाँ पे शाम के टाइम आप आ रहे हो तो थोड़ा पार्किंग का इशू हो सकता है, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा पार्किंग के लिए। अदरवाइज़ इस तरह की पार्किंग यहाँ पर है, ओपन पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग भी। अगर किसी को यहाँ पार्किंग नहीं मिलती तो आप लोग वहाँ जाके कर सकते हैं। द प्लेस फॉर एवरी कॉफ़ी एंड बुक लवर। सो गाइज ये है एंट्री द रीडर्स कैफे की। गाइज ये इन्होंने बुक्स वगैरह रखी है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है द रीडर्स कैफ़े। और यहाँ आप देखो ये पूरा सेक्शन बुक्स का है। और अगर इस साइड भी हम देखेंगे तो ये इन्होंने इस तरह का रीडिंग स्पेस बनाया है। आप कॉफ़ी के साथ अपनी बुक कोई भी पिक कर सकते हो और इन्जॉय करो। तो चलो इसका फूड मेन्यू दिखाते हैं। सूप, सैलड, स्टार्टर, रैप्स, बर्गर, सैंडविच, पिज्ज़ा, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो गाइस ये देखो इस तरह की बुक्स रखी हुई है इन्होंने यहाँ पे। तो कोई भी बुक्स आप उठा के पढ़ सकते हो यहाँ पे। रविंदर सिंह, बैचलर पार्टी, भगवत गीता भी है और भी बहुत सारी बुक्स हैं ये। द काइट रनर सही है, ये सीटिंग एरिया दिया है, यहाँ पे बैठ के आप व्यू एंजॉय करो सेक्टर 18 मार्केट का। और बुक और कॉफ़ी लेके बैठ जाओ।
तो गाइस ये है द रीडर्स कैफे सेक्टर 18 में, और अगर आप दिन के टाइम आओगे ना तो इतना पीसफुल होगा यहाँ पे, कोई भी नहीं होता, मतलब बहुत ही, आपको अगर शांति भरा दिन काटना है और बुक को कॉफ़ी पसंद है तो आप यहाँ ज़रूर आओ। विवान देखो कहाँ खड़ा है। तो गाइस आ गया हमारा फूड, फ्रेंच फ्राइज, दिस इज स्ट्रॉबेरी स्मूदी एंड दिस इज मैंगो चॉकलेट शेक। अभिमान शुरू हो गया फ्रेंच फ्राइज खाना। क्या पियोगे अभिमान? ये ही है। यू वांट स्ट्रॉबेरी? अच्छा खाना है, अच्छा फूड है। विवान कहाँ? अरे ये पिल्लो है, बैठ के दिखाओ यहाँ पे। ओके गुड नाइट। हाँ ये सारी हैरी पॉटर की सीरीज है। तो गाइज ये इस तरह के अलग अलग सीटिंग एरियाज बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप बैठो, बुक पढ़ो और आप इंजॉय करो सेक्टर 18 का व्यू। तो गाइज ये था द रीडर्स कैफ़े और काफ़ी अच्छा खाना था। वैसे हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया बिकॉज हमें ज़्यादा भूख नहीं थी, बट स्टिल जो स्मूदी और शेक थे काफ़ी अच्छे थे। तो आप यहाँ पर ज़रूर आओ और सेक्टर 18 भी विज़िट करो, बहुत ही अच्छी मार्केट है। रात को तो एकदम अलग ही इसका वो माहौल हो जाता है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। सही है, सारे स्टोन्स रख के यहाँ पे प्लांट लगा दिया और ये स्टोन्स की सीट बनाई हुई है बैठने के लिए। अरे वाह ये स्टोन वाली। तो गाइज आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। ये देखो किस तरह से घूम रहे हैं ना, ये विंडमिल लग रहे हैं, हवा से घूम रहे हैं अपने आप।
ये रे पार्किंग के रेट सेक्टर 18 के, 20 रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर।